अजीत मल औरैया नगर पंचायत बाबरपुर की गौशाला में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने गौशाला में जाकर गायों की स्थिति को देखा और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। नगर पंचायत ईओ विजय सिंह कानूनगो अजीत मल के तिवारी लेखपाल मौके पर पहुंचे, साथ साथ पशु चिकित्सा डॉक्टर कैलाश बाबू ने गाय का इलाज किया और मरणासन्न की स्थिति में पड़ी गाय का पुनर्जीवन दान दिया। पदाधिकारियों ने डॉक्टर साहब का धन्यवाद किया और उनके कार्य की प्रशंसा की। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत में गौशाला की स्थिति को देखकर पदाधिकारी आग बबूला हो गए और नगर पंचायत ईओ विजय सिंह गौशाला छोड़कर बिना कुछ बोले बताए चले गए। वहीं माननीय योगी जी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गौशाला बाबरपुर भूख प्यास से तड़प तड़प कर गायें मर रही हैं। बजरंग दल के पदाधिकारियों के पहुंचने के बाद गौशाला पहुंचे पशु चिकित्सक व ईओ नगर पंचायत बाबरपुर अजीत मल मीडिया के कैमरे से भागते नजर आए जिम्मेदार। बजरंग दल के लोग जब गौशाला पहुंचे तो वहां गले में फांसी का फंदा लगे मरणासन्न हालत में पड़ी गाय की बजरंग दल के लोगों ने जान बचाई। बिना दाने के अपर्याप्त चारा और गंदा पानी पीने व गंदगी की वजह से गौशाला की हालत बद से बदतर है। भूख प्यास और बीमारी से आए दिन गांव की मौत हो रही है। नगर पंचायत में ईओ से मुलाकात करने पहुंचे बजरंग दल के पदाधिकारियों से नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता किए जाने का भी बजरंग दल के लोगों ने आरोप लगाया। इस मौके पर ऋतिक झा, संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद राहुल गुप्ता, जिला संयोजक बजरंग दल अंकित पोरवाल आदि लोग मौजूद रहे। अमित कुमार शर्मा औरैया, टीवी इंडिया 18। क्या नाम है आपका और किस? मेरा नाम ऋतिक झा है, मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जिला संगठन मंत्री हूँ जनपद औरैया में, और मैं आप मीडिया मित्रों के द्वारा एक संदेश समाज में देना चाहता हूँ, सरकार को बताना चाहता हूँ। अगर सरकार गांव की अगर सुरक्षा नहीं कर सकती है और पालन पोषण नहीं कर सकती है तो सरकार को उनको तड़पा के मारने का भी राइट नहीं है। तो मैं आपके द्वारा ये सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, आप लोग हमारी सहायता करें। और दिन पर दिन प्रतिदिन गाय की मौतें हो रही है, वो काला पानी ये पानी पीती है गाय सारी, और बुरी दशा है, रोज रोज मृत्यु होती है एक ना एक गाय। गौशाला में सफाई व्यवस्था कैसी मिली जब आप? सफाई व्यवस्था यहाँ पे हम चलने को चल नहीं पा रहे हैं तो गाय बैठेंगी कहाँ से? हमें आपने सुना होगा गाय हमेशा साफ जगह बैठती है, यहाँ पे ऐसी एक इंच भी जगह नहीं है जो साफ सुथरी हो। कीचड़ और गंदगी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। इससे गायों के जो भी मॉन्की पॉक्स करके एक बीमारी चल रही है गैया की, लंपी जैसी, ऐसी गंदगी के द्वारा वो बीमारी होती है, लेकिन कोई देख रख नहीं। गाय को अगर चोट लगी है तो खुला गाँव है, खुला गाँव जैसे इनकी गंदगी चपेट में आता है तो हमेशा बीमारी चपेट में। गाय प्रतिदिन डेथ हो रही है, कोई चारा नहीं है और भूखी मर रही है गाय। इतना आपसे लोग कहना चाहता हूँ, सरकार को अगर गाय पालन पोषण नहीं कर पा रही है तो उन्हें छोड़ दे, जैसा पुराना 2 साल पहले 10 साल 20 साल पहले पुराना जो कानून था वही लागू कर दे। अगर पालन पोषण सरकार नहीं कर पा रही, लेकिन सरकार को किसी जानवर को तड़पा के मारने का राइट नहीं है। नाम है आपका और किस पद पर है? मैं दीपक वर्मा जिला विद्यार्थी प्रमुख बजरंग दल से हूँ। तो मैंने यहाँ प्रखंड में हमारे यहाँ पे नगर पंचायत बाबरपुर में एक स्थायी गौशाला है जिसमें गायों की हालत बद से बदतर है, हर रोज एक गाय मृत हो रही है। यहाँ पे टाउन एरिया में कहने पर हम लोगों के साथ बदतमीजी से बात की जाती है, हम लोगों को वहाँ से भगाया जाता है और हमसे ये पूछा जाता है कि आपका राइट क्या है यहाँ पूछने का, आप बताइएगा। मैंने लॉग बुक की बात की, उन्होंने हमसे कहा कि लॉग बुक ताले के अंदर है, लॉग बुक नहीं दे पाएंगे, वो बंदा यहाँ पे नहीं है जिसके पास चाबी है। अब आप बताइएगा, ईओ साहब का आज दर्शन हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगातार 10 दिन से विजिट कर रहा हूँ, और इसके बाद जब मैं यहाँ पे लगातार 10 दिन से विजिट कर रहा हूँ, सूखा भूसा दिया जा रहा है खाने के नाम पर, पानी के लिए आप देख ही सकते हैं काला पानी दिया जा रहा है पीने को, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, चार चार यहाँ पे कर्मचारी रखे हुए गए हैं, यानी कि सरकार का पैसा आता है, खा लो पी लो गमन कर लो। यहाँ पे जितनी गायों की मृत्यु हुई है ईओ साहब ने करवाई है, सीधी सी बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे गौशाला पर आपको भी सूचना दी, मीडिया को भी दी, क्या कुछ है पूरा मामला और जो इनके द्वारा आरोप लगा जा रहे हैं इसमें क्या सत्ता है? पानी का आज रात में ज्यादा बरसा, उसकी वजह से कीचड़ थोड़ा गौशाला में हो गया है, गायों को प्रॉपर चारा और दाना दिया जा रहा है, पानी पीने की व्यवस्था है, वहाँ ट्यूबवेल गड़ा हुआ है और 4 बीघा हरे चारे की व्यवस्था थी, जो ज्यादा बरसात होने की वजह से नहीं आ पा रहा है।
बजरंग दल के लोग जैसा कि आपके सामने आरोप लगा रहे थे कि जब लोग पहुंचे वहां तो एक गाय के फांसी का फंदा लगा था, और अगर वो ना पहुंचते उनका आरोप है तो हो सकता उसकी भी मृत्यु हो जाती है, क्या कहेंगे इस संबंध में जो वहां सेवादार काम करते हैं वो ही बता सकते हैं। सर एक और आरोप है जैसा कि पशु चिकित्सक भी बता रहे हैं कि 4-5 दिन अभी दाना नहीं मिल पाया है, क्या वजह रही सर? नहीं, दाना तो कल भी उनको मिला है, दाना प्रॉपर मिल रहा है। पशु चिकित्सक आपके बता रहे हैं चूंकि वो डेली जाते हैं, कह रहे पिछले 4-5 दिन दाना नहीं मिल सका और पानी भी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है गंदगी की वजह से, कुछ बीमारी भी। पानी तो स्वच्छ मिल रहा है, वहाँ ट्यूबवेल गड़ा हुआ है, हरा चारा भी आ रहा था जो ज्यादा बरसात होने की वजह से नहीं आ पा रहा है। और बजरंग दल के लोगों का आरोप है कि 4 दिन से लगातार वो आ रहे हैं और 3 दिन से लगातार गायों की मृत्यु हो रही है, क्या कहें? नहीं, केवल एक गाय की मृत्यु हुई है और जिसका डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम भी किया, डॉक्टर साहब द्वारा दो गायों की जिसमें डॉक्टर साहब ने आज एक का हुआ है तो 2 गायों का डॉक्टर साहब द्वारा पोस्टमार्टम किया। सर जैसा कि वहाँ अभी अव्यवस्थाएं हैं आपने भी देखा, तो इसको चुस्त दुरुस्त कराने के लिए क्या? ज्यादा बरसात की वजह से कीचड़ की समस्या हो गई है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ रबी डल जाए जिससे कीचड़ की समस्या दूर हो। एक और आरोप है कि जब बजरंग दल के लोग यहाँ आपसे मिलने आए तो आपके कार्यालय में कुछ कार्यकर्ताओं ने आपके उनसे अभद्रता की, सर इस संबंध में क्या रहे? कल मैं मीटिंग में था तो इस संबंध में मैं कार्यालय में जानकारी करके बता सकता कि क्या बात है।